कोलकाता के बारे में बात करते हैं या कभी ध्यान में आता है तो जो इमेजेस, जो टूरिस्ट प्लेसेस हमारे माइंड में आते हैं उसमें से ही बहुत पॉपुलर सी जगह पे आज हम आपको घुमाने लेके जाने वाले हैं एक्सप्लोरिंग कोलकाता के साथ। सो ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूँगी, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ एंड आपको बताती हूँ कि आज हम कहाँ आए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। दिस इज़ मी आराध्या एंड यू आर वॉचिंग फिशी व्लॉग्स। आप देख सकते हैं हम निकले हैं कोलकाता को एक्सप्लोर करने के लिए। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल। आगे की व्लॉग्स में आपको सब देखने को मिलेगा। कोलकाता में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं विक्टोरिया मेमोरियल को विजिट करने के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल को कोलकाता का ताजमहल भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्वीन विक्टोरिया के याद में बना हुआ ये बहुत बड़ा सा मॉन्यूमेंट बहुत अच्छा लगता है जब आप ट्रेवल करते हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम की एक अलग ही वाइब आती है इस जगह पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच सकते हैं, यहाँ पे खुलने और बंद होने के इसके टाइमिंग्स क्या हैं, हाल ही में इसका एंट्री टिकट का बढ़ोतरी हुआ है तो वो एक्चुअली अभी का प्रेजेंट एंट्री टिकट क्या है, यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, सब कुछ पता चलेगा। वीडियो को एंड तक देखिए। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून गाइज। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच कैसे सकते हैं। अगर आप कोलकाता के बाहर से आ रहे हैं तो आप अपने शहर से ट्रेन, बस या फ्लाइट का किसी भी विकल्प का यूज़ करके कोलकाता पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो सियालदह, कोलकाता या हावड़ा किसी भी स्टेशन से आप आ सकते हैं। चलिए मान लेते हैं अब आप कोलकाता आ चुके हैं। अब आप अपने रेलवे स्टेशन से या जिधर आप हैं वहाँ से प्राइवेट टैक्सी, कैब, बस या मेट्रो करके आप विक्टोरिया मेमोरियल को पहुँच सकते हैं। विक्टोरिया के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मैदान मेट्रो स्टेशन, जहाँ से 2-3 मिनट वॉक करने से आप विक्टोरिया पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो कोलकाता की बहुत सारी जगह से विक्टोरिया के लिए बस चलती है। हावड़ा स्टेशन से विक्टोरिया आने के बस के नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वो चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐप से टैक्सी बुक करके या पीली टैक्सी का भी ऑप्शन है आपके पास, आप विक्टोरिया पहुंच सकते हैं। विक्टोरिया आते ही गेट के बाहर आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, वहाँ से हमें टिकट्स लेनी है। 1 जनवरी 2024 के बाद टिकट के प्राइसेस भी थोड़े से बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर तक ये 30 रुपीज़ पर पर्सन थे, अब ये 50 रुपीज़ पर पर्सन है। ये प्राइस सिर्फ इंडियंस के लिए है, इंडिया के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सब के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन है एंड फॉरनर्स के लिए 500 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, स्कूल स्टूडेंट्स प्लस आर्मी ऑफिशियल्स के लिए एंट्री टिकट फ्री है, बस आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा या अपना ID टिकट लेके आना पड़ेगा। एंट्री करते ही आप अपने आप को एक 64 एकड़ में फैले हुए गार्डन में पाएंगे। गार्डन देखने का सबसे अच्छा टाइम सुबह और शाम का रहता है। शाम में यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कोलकाता के बाहर से विक्टोरिया को विजिट करने आ रहे हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप थोड़ा विंटर्स के टाइम पे आएँ, सो दैट आप अच्छे से पूरा डे इंजॉय कर पाएँ इस गार्डन में। बहुत लंबा गार्डन है, काफ़ी अच्छा लगेगा। विक्टोरिया मेमोरियल एक सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। विक्टोरिया मेमोरियल को ताजमहल से भी कंपेयर किया गया है एंड इसे कोलकाता का ताजमहल कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल में अंदर बहुत बड़ा म्यूजियम भी है, बट म्यूजियम में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो अंदर के पिक्चर्स तो आपको नहीं दिखा सकते, बट इट इज़ वर्थ गोइंग। अगर टाइमिंग्स की बात की जाए तो पार्क ओपन रहता है सुबह 6 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, वहीं पे म्यूजियम ओपन रहता है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक।
विक्टोरिया आए और बग्घी पे ना चढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? सो ये हम कुछ बग्घी राइड करते हुए, सामने आप देख सकते हो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है और ऐसा है कुछ हमारा बग्घी। दो घोड़े हैं, ये भैया हैं चला रहे हैं, काफ़ी सुंदर सा बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये रात में लाइटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, हम तो अभी दोपहर के टाइम आए हैं तो ये लाइट जल नहीं रहे, बट इस पर अच्छा खासा लाइटिंग रहता है शाम के टाइम में, अगर आप आओ तो पूरा दिख सकता है। अभी तो बहुत धूप है, गर्मी भी है, बट स्टिल ये हमेशा बहुत इंजॉयबल और बहुत ही लोग चाहते हैं कि इस पर चढ़ें। तो इसका मैं बता दूँ आपको, 2-2.5 किलोमीटर्स का ये राइड है एंड यू नीड टू पे 500 रुपीज़ फॉर दैट। ये भैया ने कहा है कि मेरे को ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 15 से 20 मिनट का ये राइड रहता है। सो अगर आप आते हो तो ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया विक्टोरिया का गेट, वहाँ से आपको ये मिलता है, तो आप आ सकते हो, यहाँ पे चढ़ सकते हो, ये फिक्स रेट है। और या बने रहिए, आपको दिखाते हैं कुछ अच्छे से सिनेमैटिक शॉट्स इस वीडियो के ज़रिए। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कोलकाता रेस कोर्स है। मेरे मोटर व्लॉगिंग वाले वीडियो में आपने शायद देखा होगा, ये जगह मैंने कवर किया था। और राइट हैंड साइड में ये खुला मैदान टाइप का एरिया है और ये रहे हम। मौसम कुछ ऐसा है, क्लियर स्काई, ब्यूटीफुल स्काई, और हम अपने बग्घी का सैर को आनंद करते हुए। सो गाइस, ये राइट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले एक ट्राम लाइन हुआ करता था, जो यहाँ पे ट्राम चलती हैं कोलकाता की आइकॉनिक ट्राम, आपने देखा होगा। सो यहाँ पे वो अब तो बंद हो चुकी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे एक वीडियोग्राफी होते हुए। सो यस, इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट कोलकाता की कौन सी जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आराध्या के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।